हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है प्रगति इंस्टीट्यूट। अपने इससे पहले के वीडियोस में मैंने समायोजनाओं के मेरे चार वीडियोस आ चुके हैं, तो उम्मीद है आप लोगों ने उन वीडियोस को देख लिया होगा और सभी समायोजनाओं को अच्छे से समझ लिया होगा। तो आज हम लोग एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं जिसमें समायोजनाएं हैं, समायोजनाओं के साथ फाइनल अकाउंट्स हम लोगों को बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेल स्टूडेंट्स, तो ये एक न्यूमेरिकल है और कह रहे हैं 31 मार्च 2015 को दिए हुए निम्नलिखित तलपट से अंतिम खाते बनाइए। ये तलपट दे रखा हुआ है, ये डेबिट साइड के बैलेंसेज हैं, ये क्रेडिट साइड के हैं और ये समायोजन दे रखे हुए हैं। निम्नलिखित समायोजनाएं कीजिए। अंतिम रहतिया 40,000 रुपए का था और वेतन के 800 रुपए और मजदूरी के 400 रुपए देने शेष हैं, तो जो रुपए देने शेष हैं ये हमारा आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। अदत्त वेतन और अदत्त मजदूरी के नाम से इसको दिखाया जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग वेजेस। और तीसरी जो समायोजन है वो है पूर्वदत्त बीमा 300 रुपए था, यानी कि ये बीमा एडवांस में पे कर दिया गया था, तो इसको हम प्रीपेड इंश्योरेंस कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले टाइटल डाल देते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग एट 31st March 2015। कॉलम्स बना लेते हैं, बीस से इसको हाफ कर लेंगे, ये अमाउंट का कॉलम हो गया, ये फिर से एक अमाउंट का कॉलम क्रेडिट में हो गया। कॉलम्स के नाम लिख लेते हैं, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर्स, अमाउंट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें ओपनिंग स्टॉक लिख लेते हैं, 16,000 रुपए का है। टू ओपनिंग स्टॉक जो कि ट्रायल बैलेंस में दे रखा हुआ है तलपट में, ओपनिंग स्टॉक 16,000 रुपए का है, 16,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक हो गया। और सेकंड नंबर पर इधर आती है परचेजेस यानी क्रय जो हमारा दे रखा हुआ है, और देखेंगे इसमें परचेजेस रिटर्न्स तो नहीं है, तो परचेजेस रिटर्न्स क्रय वापसी इसमें नहीं है, तो 68,000 रुपए का जो क्रय है वो हम जो कहते हो ऐसे ही बाहर निकाल देंगे। और अब इसके बाद जो थर्ड आइटम है वो मजदूरी है, मजदूरी यानी वेजेस, तो वेजेस के जो अमाउंट है वो 3600 रुपए अंदर ही रखेंगे इसको, क्योंकि इस पर नीचे समायोजन दे रखा हुआ था, तो इसमें प्लस लगाकर छोड़ देंगे। और इसमें नीचे समायोजन में दे रखा था कि मजदूरी के 400 रुपए देने शेष हैं, यानी जो आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं हमारी, आउटस्टैंडिंग वेजेस वो 400 रुपए की है, तो इसको भी हम जोड़ के बाहर निकाल देंगे प्लस करके, तो ये हमारा हो जाएगा 4,000 रुपए। और इसके बाद रेल फ्रेट ऑन परचेजेस, तो रेल फ्रेट या फ्रेट भी लिख सकते हैं, ऑन परचेजेस, परचेजेस पर है तो ट्रेडिंग में आएगा, और अदरवाइज अगर सेल्स वगैरह पर होता तो नीचे प्रॉफिट एंड लॉस में आ सकता था,
ऑन परचेजेस और इसका अमाउंट है 2000 रुपए आ गया। और इधर आएगा सबसे पहले बाई सेल्स यानी बिक्री, और बिक्री का जो अमाउंट है 106,000 रुपए है, 106,000 रुपए हो गया। और इसमें जो क्रेडिट साइड में अब नीचे अंतिम रह दिया पड़ता है जो कि हमारे ट्रायल के नीचे समायोजन में दे रखा हुआ है पहली समायोजन के रूप में, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक ये नीचे हमें दे रखा हुआ है 40,000 रुपए का, तो ये भी हम लिख लेते हैं। और अब चूंकि ये सारे पोस्ट हो चुके हैं तो इसका अब हम लोग जो रिजल्ट है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो 146,000 रुपए तो इसका हो गया क्रेडिट साइड का, और डेबिट का हमारा हो गया, इसको अगर हम प्लस करें तो आ जाएगा 90,000 रुपए, ये डेबिट साइड का टोटल आ गया यहां से यहां तक का। अब इसको घटा लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 6 और 14 में से 9 गया 5, 56,000 रुपए ये हमारा आंसर आ गया जो कि ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में आ गया। और इसको हम लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन। आंसर जो ग्रॉस प्रॉफिट का जो कम होता है जितना जो हमारा घटा के आया, अगर क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट छोटी है तो जो अंतर आएगा वो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में डेबिट में दिखाया जाएगा। अदरवाइज अगर उल्टी स्थिति है यानी डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट छोटी है तो आंसर हमारा जो आएगा वो ग्रॉस लॉस के रूप में आएगा और उसको बाई ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन के रूप में इधर दिखा दिया जाएगा। तो अब इसका जो टोटल है बड़ा वाला वो हम लोग लिख देते हैं, चूंकि क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा था 146,000 रुपए तो इसको लिख देते हैं। और अब ये जो क्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन हुआ था, अब चूंकि यहां तक ये ट्रेडिंग अकाउंट हो गया और नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो इसको ग्रॉस प्रॉफिट को यहां पर हम ब्रॉट डाउन कर लेते हैं बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और ये आ जाएगा हमारा यही 56,000 रुपए जो आंसर आया था उसको हम इधर कर लेंगे। ध्यान दें कि अगर कैरिड डाउन इधर है, ग्रॉस प्रॉफिट इधर है, तो ब्रॉट डाउन अपोजिट साइड में नीचे होगा। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसमें जो सबसे पहला आइटम है वो सैलरी या वेतन है, तो इधर लिख लेते हैं टू सैलरी। और चूंकि सैलरी पर भी नीचे समायोजन दे रखा हुआ था तो इसकी भी अमाउंट बाहर ना निकालकर इधर अंदर ही रखेंगे, और सैलरी थी हमारी 6,000 रुपए और प्लस इसमें आउटस्टैंडिंग जो नीचे था अदक यानी देना जो शेष था आउटस्टैंडिंग सैलरी, और उसका अमाउंट था हमारा 800 रुपए, तो उसको हम लिख लेंगे यहां पर प्लस कर लेंगे इसमें, तो 6,800 रुपए ये बाहर आ गया। और अब इसके बाद है एक टैक्स एंड इंश्योरेंस यानी कर व बीमा था जो ट्रायल बैलेंस में हमें दे रखा है आइटम, तो टैक्स एंड इंश्योरेंस ये है। और इसमें भी आपने देखा था कि समायोजन के रूप में जो तीसरी समायोजन है वो उसमें होल्डर बीमा के नाम से दे रखा हुआ है, तो इसका भी अमाउंट हम बाहर ना निकाल के अंदर ही रखेंगे इसको, और ये अमाउंट था हमारा 2,000 रुपए और इसमें से प्रीपेड इंश्योरेंस यानी पूर्णत बीमा उसको हम लेस कर देंगे, इंश्योरेंस 300 रुपए था पूर्णत बीमा उसको घटा दिया, तो ये 1,700 रुपए बाहर आ गया। और अब देखते हैं और क्या आइटम बचे हैं, तो एक सामान्य व्यय जो आइटम है जो जनरल एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो उसको लिख लेते हैं टू जनरल
एक्सपेंसेस सामान्य व्यय और इसका अमाउंट है 1600 रुपए और इसके बाद है अशुद्ध ऋण। अशुद्ध ऋण लाभानी खाते में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है तो बैड डेट्स के नाम से ये 2400 रुपए दिखा दिए जाएंगे टू बैड डेट्स 2400 रुपए बाहर ऐसे ही निकाल दिया जाएगा। और अब देखते हैं क्या बचा। तो अब सारे आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस के भी पोस्ट हो चुके हैं, अब इसका रिजल्ट जानने की बारी है। तो चूंकि 56,000 इधर है और इसको अगर हम रफ टोटल करके ऐसे ही देखते हैं तो इसका टोटल कम लग रहा है, तो इसको 56,000 क्रेडिट का जो है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं और डेबिट का टोटल कर लेते हैं। तो 12,500 रुपए डेबिट साइड का टोटल आ गया और अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 43,500 रुपए ये बचा। और चूंकि इधर की साइड कम है तो इसको हम आंसर को इधर ही दिखाएंगे जो कि हमारा नेट प्रॉफिट के रूप में होगा। तो इधर हम लिख लेते हैं टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट और ये हमारा आया 43,500 रुपए और अब ये फाइनल जो बड़ा टोटल था चूंकि क्रेडिट बड़ा था तो वही दोनों साइड में नीचे लगा दिया जाएगा 56,000 रुपए और ये भी 56,000 रुपए दोनों साइड टोटल लगा दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसके बाद बैलेंस शीट या आर्थिक चिट्ठे को बनाने की कोशिश करते हैं। तो टाइटल लिख लेते हैं बैलेंस शीट और इसमें जिस डेट को बना रहे हैं वो भी लिख दी जाएगी एज ऑन 31 मार्च 2015। और इसके बाद अब हम लोग कॉलम बना लेते हैं कॉलम्स के नाम हैं लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट और चूंकि आपको मालूम होगा कि बैलेंस शीट में साइड्स उल्टी होती हैं, इसमें जो ट्रायल बैलेंस में जो क्रेडिट साइड में आइटम दे रखे होते हैं वो इधर साइड में आएंगे, इसको क्रेडिट माना जाता है और ये डेबिट साइड होती है। यानी ट्रायल में जो डेबिट साइड में आइटम दे रखे होंगे वो इधर साइड में आएंगे एसेट्स में और जो क्रेडिट में दे रखे होंगे वो लायबिलिटीज में आएंगे। अब लायबिलिटी साइड में सबसे पहले हम लोग कैपिटल लिखते हैं जो हमारी पूंजी होती है। तो कैपिटल इस क्वेश्चन में पूंजी दे रखी हुई है 60,000 रुपए, अंदर ही रखेंगे इसको। और इसमें जो हमारा नेट प्रॉफिट आया था प्रॉफिट एंड लॉस में उसको हम ऐड कर लेंगे नेट प्रॉफिट और जो कि हमारा आया था 43,500 रुपए तो इसको निकाल देंगे ऐड करके बाहर और ये आ जाएगा हमारा 103,500 रुपए आ गया। और इसके बाद इसमें एक क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस के पड़ा हुआ है क्रेडिटर्स पड़ा है लेनदार, तो उसको लिख लेंगे क्रेडिटर्स यानी लेनदार और इसका अमाउंट है 8,000 रुपए
और इसके बाद है उसमें ट्रायल बैलेंस में देय विपत्र के नाम से दे रखा हुआ है, और देय विपत्र को इंग्लिश में कहते हैं बिल्स पेबल, तो इधर आ जाएगा ये। बिल्स पेबल और इसका अमाउंट है 2000 रुपए। और इसके बाद एक अदत्त मजदूरी समायोजन के रूप में थी, तो उसको भी हम लोग लायबिलिटीज में दिखाते हैं। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस यानी अदत्त मजदूरी जो कि थी हमारी 400 रुपए की, 400 रुपीज ये आ गया। और एक अदत्त वेतन के रूप में नीचे समायोजन थी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख लेंगे हम लोग, आउटस्टैंडिंग सैलरी, और ये अमाउंट है 800 रुपए का, ये आ गया। तो स्टूडेंट्स ये लायबिलिटीज साइड कंप्लीट हो गई बैलेंस शीट की। और इधर एसेट्स में अब देखते हैं क्या क्या बचा है। तो इधर सबसे पहले देनदार है डेटर्स, और डेटर्स का अमाउंट है 14000 रुपए। इसके बाद है बिल्डिंग यानी भवन, और उसका अमाउंट है 32000 रुपए। तो बिल्डिंग 32000 रुपए एसेट्स में दिखा दी जाएगी। और इसके बाद है फर्नीचर 6800 रुपए, फर्नीचर 6800 रुपए ये भी तलपट में रेनी साइड में डेबिट साइड में दे रखा हुआ है। और इसके बाद है प्राप्य विपत्र यानी बिल्स रिसीवेबल जो कि है हमारा 10000 रुपए का। तो बिल्स रिसीवेबल दस हजार रुपए की ये आ गए। और इसके बाद है रोकड़ हाथ में यानी कैश इन हैंड 2400 रुपए, कैश इन हैंड 2400 रुपए। और इसके बाद है रोकड़ बैंक में यानी कैशेड बैंक है 9200 रुपए, कैश एट बैंक 9200 रुपए, 9200। और इसके बाद है एक अंतिम रहतिया दे रखा हुआ है 40000 रुपए का, तो क्लोजिंग स्टॉक भी लिख लेंगे हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक 40000 रुपए का है। और एक जो समायोजन थी एक पूर्णत बीमा की 300 रुपए का, तो उसको भी पूर्णत बीमा भी हमारा एसेट्स में दिखाया जाता है। आउटस्टैंडिंग होता अगस्त होता तो इधर लायबिलिटीज में दिखाते हैं, और इसके अपोजिट प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एसेट्स में दिखाया जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस 300 रुपए का था तो ये एसेट्स में दिखाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आइटम्स लायबिलिटीज और एसेट्स में अब पोस्ट हो चुके हैं, और इनका अब हम लोग टोटल करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कितना आता है। तो 1,14,700 रुपए जो टोटल आ गया लायबिलिटी साइड का। और इधर का भी चेक करते हैं, और इधर का भी टोटल 1,14,700 रुपए आ गया। दोनों साइड्स का टोटल 1,14,700 आ गया। बैलेंस शीट हमारी मैच कर गई। इसका मतलब हमारा जो अभी तक का
क्वेश्चन हमने किया था वो पूरी तरह से सही हो गया है। तो स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल था फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट, समायोजन के साथ अंतिम खाते बनाने का, जिसको मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दिखा दिया। और अब आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में जो भी आपके फाइनल अकाउंट्स हैं एडजस्टमेंट वाले, तो उनको करने की कोशिश करें। और अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और जिससे आपको सभी वीडियोस समय से और उचित ठीक ढंग से सबसे पहले मिल सकें। और इन वीडियोस को आप लोग बार बार चला के देख लें और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स से भी शेयर कर लें। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।